जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम जी नाजरीन। तो सदे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन इटे मैं मौजूदा मदीना तौलिया मुल्तान शरीफ कचहरी बार दे विच और सानल मौजूदा 2023 के जोड़े सैकटरी साहब हैं और सानल मौजूद हैं अल्ताफ़ गिलानी साहब। मैं आपका शुक्रगुजार हाँ, आप दी मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया और आपको सब तो पहले झोंक टीवी और झोंक टीवी की तमाम टीम के तरफों मुबारकबाद कि आपने इलेक्शन चीफ किया है। और आप गुफ्तगू करूँ कि आप को जानसूँ कि वकला बरादरी वास्ते क्या नेक तमन्ना हैं, क्या ख्यालात हैं, या जोड़े पिछले टनोर के लोग आते रहन उन्होंने मुख्तलिफ लॉलीपॉप भी दिते, मुख्तलिफ आसरे भी दिते, लेकिन उनके वकला बरादरी के जोड़े मसाइल हैं वो हल नहीं थी सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं झोंक टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुल्तान बार में हमारे तशरीफ़ लाए और हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से, वालदैन की दुआओं से, उस्ताज़ा के जो है सपोर्ट से और दोस्तों के सपोर्ट से, कोलीग्स के भरपूर सपोर्ट के साथ अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह इस मैदान में कामयाब हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी डिलीवर इंशाल्लाह करने में भी सुरखरू होंगे और इंशाल्लाह वक्त जाते आने के साथ साथ इंशाल्लाह ताला बार के लिए बेहतर इक़दामात करेंगे और अमली तौर पर इंशाल्लाह ताला जो कि लोगों को नज़र भी आएंगे। गिलानी साहब, अगर अस मौजूदा पिछले टनोर की गल करें तो उनके भी वकला बरादरी बहुत सारे मसाइल का शिकार रही है, छोटे छोटे मसले और उन्होंने वास्ते हल करने वास्ते जो मतलब तो अगर इतना एक इलेक्शन के उत्ते जिताया वह या बिलहाया वह तो मकसद होता है कि वकला बरादरी के मसाइल हल थे, लेकिन यकीनन पिछले टनोर कहीं भी वकील के मसले सही तरीके हल नहीं थे। तो तुसा क्या समझते हो कि तुसा उन्होंने लोगों के मसले हल करने कामयाब थे? सो जी, वकला का नुमाइंदा हूँ। वकला ने जो मुझ पर एतमाद किया है और मुझे जो इलेक्ट किया है, इंशाल्लाह ताला वकला के एतमाद पर पूरा उतरूँगा और अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला जितने मसाइल हैं और जितने मामलात हैं इंशाल्लाह सब में सुरखरू हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला वकला बरादरी के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। गिलानी साहब, आखिरी डू गल करेसा कि पिछले टनोर दे विच कुछ चैम्बर बने जिंदे अजकल खबर भी गूंजदियाँ पईयां कि आया क्या कि उन्होंने जोड़े चैम्बरों का कोई हिसाब किताब या उन्होंने जोड़े मामलात हैं क्या तुहाडे तक पहुँचे? उसमें अपने हमने हमारी जो नई एग्जैक्टिव आई है उसमें हमने साबिक एग्जैक्टिव को नोटिस जारी किया है कि उसका जो रिकॉर्ड हमें दिया जाए, तो वो भी बार के रिकॉर्ड में भी मौजूद है और हमारे वो जो हमारा नोटिस बोर्ड है उस पर भी चिस्मा है, वो हमारे हमने उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और बाकायदा तौर पर एक बातों से नहीं हमने नोटिस जारी किया है साबिक एग्जैक्टिव को कि उसका जो रिकॉर्ड हमारे हवाले किया जाए। आखिर तक झोंक टीवी देखने वाली नाजरीन को और क्योंकि गाल हुआ थी पई आई कि वकला बरादरी के जोड़े चैम्बरों के हवाले नाल भी काफ़ी सारे लोगों की शिकायत आती पई है कि बहुत महंगे तरीके चैम्बर लीते गए और नाकिस मटीरियल के नाल वो जोड़े चैम्बर तैयार किए गए। तो इन हवाले नाल क्या जी, इंशाल्लाह ताला इसका ये रिकॉर्ड हमारे अभी पोलेशन में आ जाए तो इंशाल्लाह इसका ऑडिट करवाएंगे और जो है एक्सपर्ट टीम जो इस फील्ड से मुतलका होती है उनको बुला के इसकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वकला को उनके जो पैसे हैं वापस लेके दिए जाएँ। इसके लिए बल्कि मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारा वकला बरादरी है, कम्युनिटी है, वो भी हमारी सपोर्ट करें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी नाजरीन। जिमें कि मैं तो दसा कि इटे मैं कचहरी बार के अंदर मौजूद हाँ और मेरे मौजूदा जोड़े सैकटरी साहब कचहरी बार दे मेरे गुफ्तगू करेंदे पैन। तो नाजरीन आखिर अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इन शेर के नाल दसो इजाज़त कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू डीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने। नाजरीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। अपने मेज़बान को दसो इजाज़त, वाल हाजिर थे कहीं बे प्रोग्राम।